पुराने विवाद को जब तनुश्री दत्ता ने छेड़ा तो मानो बॉलीवुड में हड़कंप ही मच गया। तनुश्री ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद धीरे धीरे कई महिलाएं खुलकर अपने साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर बात कर रही हैं। जहां पूजा भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड की पोल खोली, वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने डायरेक्टर विकास बहल पर आरोप लगाए। वहीं इस कड़ी में चेतन भगत और कैलाश खेर का भी नाम जुड़ गया। जहां कई सेलेब्स इन कॉन्ट्रोवर्सीज पर अपनी राय दे रहे हैं, वहीं अब शिल्पा शेट्टी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र, अभिनेताओं, कारोबार की जगह पर कामकाजी माहौल एकदम सुरक्षित होना चाहिए, ये एक जरूरी शर्त होनी चाहिए। ये पूरा आंदोलन जिसे तनुश्री दत्ता ने शुरू किया है, मेरा दिल एक महिला का, एक इंसान होने के चलते दुखी है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को कारपेट के नीचे छुपा दिया जाता है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि #MeToo नहीं बल्कि #YouTube मूवमेंट शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसमें उन महिलाओं की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो पुरुषों की है। वैसे देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी ने एकदम पते की बात की है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं।